हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेविरोसन बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC जो है उसके द्वारा जो है सो NM का बहाली, बिहार में जो NM का बहाली होने वाला है, जो 10,709 सीटें हैं, उससे संबंध में हम ये वीडियो बना रहे हैं। मतलब उसका जो है सो डेट एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है उसका, मतलब कि अभी और ऑनलाइन करने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो कब तक, मतलब कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब तक बढ़ा दिया गया है डेट, कब तक मतलब एग्ज़ाम लिया है, मतलब एग्ज़ाम डेट तो अभी नहीं, मतलब कि कब तक हम ऑनलाइन कर सकते हैं NM के लिए, ये जो बहाली का डेट आया है इसका देखते हैं। विज्ञापन संख्या है BTSC का, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 7/2022, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NM। आवश्यक सूचना इसमें है, स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NM के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें दिनांक 2/8/2022 से 1/9/2022 तक तथा अंतिम रूप से दिनांक 15/9/2022 तक तिथि विस्तारित करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति, मतलब कि ऑनलाइन का डेट जो है सो 2/8/2022 से 1/9/2022 तक शुरू में आया था, लेकिन उसको मतलब फिर से बढ़ा के 15 तक किया गया था, तो 15 तक किया गया, लेकिन आवेदन मतलब प्राप्त हो चुका है, मतलब 15/9/2022 तक इसको विस्तारित करके आवेदन प्राप्त कर लिया गया। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 932/6 दिनांक 12/6/2022 23 एवं पत्रांक 1270/6 दिनांक 2/8/2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में विज्ञापन 7/2022 NM के पद पर नियुक्ति बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी संवर्ग नियमावली 2018 के स्थान पर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी संवर्ग नियमावली 2023 के आधार पर किया जाना है। मतलब कि इसमें जो है 2018 में जो नियमावली था उसको बदल के अब नया नियमावली 2023 के आधार पर इसका जो बहाली होने वाला है, NM का जो बहाली होने वाला है, वो पुराने वाले नियमावली पर न होकर अब नया जो नियमावली 2023 में जारी किया गया है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, उसके द्वारा होना है। तदनुसार प्रकाशित विज्ञापन संख्या 7/2022 के विभिन्न कंडिकाओं को नियमित संबोधित किया जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए नंबर है क्या, विज्ञापन की कंडिका 4 चयन की प्रक्रिया को नियमित प्रस्थापित किया जाता है। मतलब किस तरह से इसका चयन होना है, तो इसमें फर्स्ट है प्रथम चरण में तो मतलब कि आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। मतलब सबसे पहले जो है प्रथम चरण में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके अंदर मतलब प्रथम चरण के अंदर उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। मतलब कि वो जो परीक्षा लिया जाएगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न होगा, 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब एक क्वेश्चन पेपर जो है सो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया जाएगा, वो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका मार्क्स भी कितना होगा, 100 होगा, और वो 2 घंटे तक लिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसका सी, NM हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इसमें जो है NM हेतु जो भी निर्धारित अध्ययन उसमें मतलब जो पठन पाठन NM में होते हैं उसके अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया गया है, और मतलब कि इसका जो इसमें क्या क्या सिलेबस, क्या क्या पाठ्यक्रम लगेगा, क्या किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, वो जो है सो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रश्न पत्र जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पाए जाएंगे। ई कि उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मतलब ये जो एवं 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। मतलब कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये एक से अधिक पालियों में किया जाएगा, और उसके लिए जो है सो अलग मतलब परीक्षा आयोजित के उसका जो है समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। उसका क्वेश्चन जो है सो उस अकॉर्डिंग ही अलग अलग पालियों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट है, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, और परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग भी है जिसमें अगर सही उत्तर दिया सही उत्तर के लिए एक अंक और अगर गलत उत्तर रहेगा उसके लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब कि अगर चार क्वेश्चन गलत मेरा हो जाता है, चार ऑब्जेक्टिव अगर हम गलत बना लेते हैं उसके लिए मेरा एक नंबर कट जाएगा और एक सही पे एक नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा, उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा, और सबका जो है उसी के आधार पे अभ्यर्थी का अंक जो है प्रकाशित किया जाएगा। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेघा सूची तैयार किया जाएगा, और जिसको जितना मार्क्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या मेघा सूची जारी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें क्या है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिला तथा निःशक्त से ग्रसित दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कि इसमें दिया गया है कि सामान्य वर्ग के जितने भी मतलब कि स्टूडेंट होंगे उसके लिए कम से कम 40% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो है और महिला और निःशक्त के से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% और निर्धारित न्यूनतम, मतलब कि ये जो अलग अलग कास्ट में जो है मतलब कि जो जिस कैटेगरी में आएंगे उसके लिए उतना अंक मतलब कि निर्धारित किया गया है, इससे इतना परसेंट अगर उसको मार्क्स रहेगा तभी वो पास माने जाएंगे। नोट, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अहत प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अगर जो है इस परसेंटेज इतना परसेंटेज अगर वो कोटि वाइज जो है अलग अलग कोटि कैटेगरी मान लीजिए जो अनुसूचित जनजाति के हैं तो उसके लिए जैसे 32% निर्धारित किया गया, अगर वो 32% नहीं लाते हैं तो वो जो है सो अभ्यर्थी कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि नहीं हमें नौकरी क्यों नहीं मिला या ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरा चरण इसका क्या है, प्रथम चरण तो देख लिए उसमें एग्जाम CBT एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। दूसरा चरण इसमें है, द्वितीय चरण में जो है सो चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न तैयार की जाएगी, मतलब कि मेरिट लिस्ट उसका तैयार किया जाएगा। पहला में तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा, मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा, इसमें ए नंबर है प्रतियोगिता परीक्षा प्रत्यांक के लिए 60, मतलब कि वो जो परीक्षा में जो उसको मार्क्स आएगा उसको 60 अंक ही मिलेगा। मतलब कि अगर वो 100 मार्क्स लाया है तो उसको जो है सो 0.6 से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर जो है किसी स्टूडेंट ने अगर यहाँ देखिए अगर किसी स्टूडेंट ने 100 में 100 मार्क्स ले लिया MCQ में तो उसको जो है वो इसके अनुसार क्या किया जाएगा, 0.6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है उसको टोटल 60 मार्क्स ही दिया जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए हाँ तो उसको 60 मार्क्स वो दिया जाएगा, और अगर वो जो है अगर GNM का कोर्स किए हुए है तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा, या BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग या MSc किए हुए तो उसको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 100 में 100 वो ले आया, और अगर GNM किए हुए तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, पोस्ट BSc या BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग किए हुए तो उसको 15 मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब 60 और 15 75 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें कह रहा है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी या गैर सरकारी केंद्र सरकार पंचायत नगर निगम आदि अस्पतालों में कार्य का अनुभव प्रतिवर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5
से गुना करने के पश्चात इतना भाग देगा। मतलब कि इसमें ये दिया गया है कि और 25 मार्क्स रखा गया है उसके एक्सपीरियंस के आधार पे। अगर वो जो स्टूडेंट है किसी भी अगर मान लीजिए उसको एक साल किसी हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो अगर वहाँ का एक्सपीरियंस वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ अगर अटैच करता है तो उसको जो है सो 5 अंक ऐड कर दिया जाएगा। अगर उसे 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 मार्क्स, 4 साल का है तो 20 मार्क्स, 3 साल का है तो 15 मार्क्स, 2 साल का है तो 10 मार्क्स, इस तरह से। मतलब कि प्रत्येक साल जितने साल का एक्सपीरियंस उसको रहेगा हॉस्पिटल ड्यूटी करने का, उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है सो 100 अंक पुराया जाएगा। पहला हो गया कि अगर वो 100 में 100 लाया है तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60 अंक मिलेगा, और अगर वो बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी या जीएनएम किए हुए तो उसको 15 मार्क्स मिलेगा। जीएनएम के लिए बस 10 मार्क्स है, और अगर वो जो है सो ये अगर एक्सपीरियंस के आधार पे उसको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ तक में उसको 25 अंक दिया जाएगा, अगर 2 साल का है तो 10 मार्क्स ही मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग उसको मार्किंग किया जाएगा। यहाँ पे है नोट, देखिए नोट दिया गया है, प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्रत्यांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुना करके किया जाएगा। जो हम बताएं जैसे उदाहरण था, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 × 0.6 = 30 अंक दिए जाएंगे। जिस तरह से अगर मान लीजिए 100 अंक का जो MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था, उसमें अगर कोई 50 मार्क्स ही लाता है तो उसको जो है 0.6 से 50 को मल्टीप्लाई कर देगा तो उसको क्या मात्र 30 अंक ही आएगा। अगर मान लीजिए वो अगर GNM भी किए हुए तो उसको 10 मार्क्स और ऐड कर दिया जाएगा। और मान लीजिए वो जो है सो क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए वो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल ड्यूटी करने का तो 10 मार्क्स मतलब कि 5 × 10 मार्क्स ये भी ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, 10 और 10, मात्र उसका जो है 50 अंक ही बनेगा, समझे। तो इसी तरह से क्या होगा उसका मार्किंग होगा। नेक्स्ट इसका प्रक्रिया में क्या है, तीसरा क्या है, अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक 2/8/22 के तक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर सरकारी केंद्र सरकार पंचायत नगर निगम आदि अस्पतालों में संविदा के आधार पर ANM के पदों पर कार्यरत अवधि का कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो संबंधी अस्पताल के अधीक्षक उपाधीक्षक निदेशक संबंधी जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गित तो हो आवेदन के विधित कॉलम में दर्ज करेंगे। मतलब कि ये सब जो है सो कार्य अनुभव जो है सो वो डेट के अनुसार इतना साल में होना चाहिए वो दिया हुआ है इसी तरह से, और आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम मेन पॉइंट आपको बताते हैं। मेन पॉइंट इसमें है, हाँ यहाँ देखिए मेन मतलब मेन पॉइंट हम यहाँ पे आपको बता देते हैं इसकी इससे समय। देखिए ये डी में क्या है, नए नियमावली के आधार पर विज्ञापन में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थी से आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर दिनांक 22/9/23 से 6/10/23 तक आवेदन करने का पुनः मौका दिया गया है। मतलब कि 22/9/23 से 6 अक्टूबर तक, मतलब कि 6/10/23 तक आवेदन करने का फिर से, मतलब कि इसका जो NA का जो आवेदन हो रहा था उसका जो है फिर से डेट दिया गया है, फिर से मौका दिया गया है। जो लोग छूट गए थे, जो नहीं दे पाए थे, उसके लिए जो है फिर से उसको जो है आवेदन करने का मौका दिया गया है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगा, और जो लोग जो है सो पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको फिर से आवेदन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी द्वारा पुनः आवेदन किए जाने पर दोनों आवेदन रद्द कर अभ्यर्थिया समाप्त कर दी जाएगी। और अगर मान लीजिए जो पहले आवेदन कर चुके हैं और अगर वो फिर से आवेदन करेंगे तो उसका जो है सो पहले वाला और अभी वाला भी क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। दोनों का दोनों उसका जो फॉर्म जो ऑनलाइन सबमिट किया रहेगा दोनों को दोनों क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि विज्ञापन के कंडिका 3 के अनुसार दिनांक 1/8/2021 होगी, और उसका जो आयु सीमा का गणना जो होगा कट ऑफ तिथि के अनुसार विज्ञापन के अनुसार 1/8/2021 होगा। कार्य अनुभव अवधि के गणना विज्ञापन के कंडिका 4/4 के अनुसार दिनांक 2/8/2022 तक की जाएगी। ये सब है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है,
विज्ञापन की खंडिका 9 के अनुसार सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब जितने भी उसके शैक्षणिक सर्टिफिकेट हैं, इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट हैं, यथा ANM का डिग्री, ANM का अंक प्रमाण पत्र, उच्चतर योग्यता जैसे GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिनांक 1/9/2022 तक का निर्गित होने पर मान्य होगा। केवल बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना का निबंधन प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 6/10/2023 तक निर्गत होने पर मान्य होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बस आप लोग मतलब कि एक समझ गए कि इसमें जो है सो क्या फिर से डेट दे दिया गया है, इसको मतलब कि अप्लाई फिर से आप लोग कर सकते हैं। इसमें मेन देखिए यहाँ पर था क्या, 22/9/2023 से 6/10/2023 तक पुनः आवेदन करने का डेट दिया गया है, जो आप लोग जो है सो अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े या कहीं पे आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। जिस वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in और नेक्स्ट एक और वेबसाइट एवं www.pariksha.nic.in, ये दोनों वेबसाइट के मतलब कि आप अथी कर सकते हैं अप्लाई। और ये इसमें हम ये भी बता दिए कि किस तरह से इसमें मार्किंग किया जाएगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपको अगर 80 मार्क्स आते हैं तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपको 48 अंक मिलेंगे। अगर आप GNM BSc नर्सिंग किए हैं तो वो उसका 15 मार्क्स, अगर GNM किए हैं तो 10 मार्क्स ऐड होगा, और अगर आप जो है सो एक साल या दो साल का एक्सपीरियंस है, तीन साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स आपको ऐड कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट मतलब कि आपके टोटल मार्क्स में। क्लियर? तो इस वीडियो में हम जो है सो ये पूरा बता दिए कि किस तरह दो चीज़ हम मतलब मेन मेरा बताने का इसमें दो ही था कि एग्ज़ाम टोटल मार्क्स कितने होंगे और किस तरह से इसका मार्किंग स्कीम है। और दूसरा बात ये रहा कि इसका जो बिहार तकनीकी सेवाओं के द्वारा जो ANM का जो टोटल पद है 10,709 जितने भी पद हैं उसका बहाली का जो डेट है वो फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। उसका जो मतलब कि आप जो है सो फिर से ऑनलाइन मतलब कि जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं किए थे, जो छूट गए थे, वो उनको जो है सो फिर से मौका दिया गया है ऑनलाइन करने का, जिसका डेट जो है 22/8/2023 मतलब कि 22/9/2023 मतलब कि 22/7/2023 से लेके 7 अक्टूबर तक दिया गया है शायद, एक मिनट, 7 अक्टूबर तक, हाँ 6 अक्टूबर तक, 22/9/2023 से 6/10/2023 तक मतलब उसको आवेदन करने का पुनः मौका दिया गया है। तो इसलिए जो लोग अभी तक मतलब कि अप्लाई नहीं किए थे उनका अगर एज पूर गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हम मतलब ये सारा बता दिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि इसमें आप लोग जो मतलब कि CBT जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का ANM वाले का जो एग्ज़ाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसमें कौन सा क्वेश्चन मतलब कि किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम मतलब बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। और मतलब कि जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।